आज मैं आपको कुछ ऐसे गेम्स के बारे में बताऊंगा जो काफी ज्यादा बढ़िया थे, बट फिर बाद में उन गेम्स को इंडिया से बैन कर दिया गया था। तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और भी गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। आइडेंटिटी 5 गाइस, ये एक हॉरर गेम है एंड इस गेम को डेवलप किया था NetEase कंपनी ने। एंड गाइस आपको बता दूं, इस गेम को लॉन्च किया गया था 2018 में, एंड फिर उसके 2 इयर्स बाद यानी कि 2020 में इस गेम को बैन कर दिया गया था इंडिया से। एंड इस गेम को इंडिया से इसलिए बैन किया गया था क्योंकि गाइस इस गेम को जिस कंपनी ने डेवलप किया था वो एक चाइनीज गेमिंग कंपनी थी। और यार जब ऐसे गेम्स बैन होते हैं इंडिया से तो काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। गाइस लाइफ आफ्टर को 2019 में लॉन्च किया गया था एंड ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम था, बट इस गेम को 2020 में बैन कर दिया गया था। एंड गाइस जैसे ही लाइफ आफ्टर लॉन्च हुआ था 2019 में, उसके बाद से ही लाइफ आफ्टर इंडिया के अंदर धीरे धीरे फेमस होना चालू हो गया था। बट फिर वन ईयर बाद ही यानी कि 2020 में लाइफ आफ्टर को इंडिया से बैन कर दिया गया था। और लाइफ आफ्टर को इंडिया से इसलिए बैन किया गया था क्योंकि इस गेम को भी डेवलप किया था चाइनीज गेमिंग कंपनी ने जिसका नेम था NetEase। लाइफ आफ्टर गेम के ग्राफिक्स बिल्कुल पीसी एंड कंसोल लेवल के थे। एंड गाइस ये एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम था। इस गेम के अंदर आप लोग फुल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते थे और साथ ही साथ में इस गेम के अंदर आप लोगों को काफी सारे ज़ॉम्बीज भी मिलते थे जिनसे बचकर आप लोगों को सर्वाइव करना पड़ता। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो गाइस पूरे वर्ल्ड में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं एंड कुछ ही लोग बाकी हैं इस वर्ल्ड के अंदर जिसमें से आप भी हो, और आप लोगों को उन ज़ॉम्बीज से बचकर इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना पड़ता। इसमें लिटरली काफी ज्यादा मजा आता था, बट सैडली अब ये गेम इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। इंडिया के अंदर से इस गेम को 2020 में ही बैन कर दिया गया था। Disorder, गाइस इस गेम को भी डेवलप किया था NetEase कंपनी ने जो कि एक चाइनीज गेमिंग कंपनी है। और आपको बता दूं, Disorder एक बैटल रॉयल गेम था, बट गाइस सैडली इस गेम को भी 2020 में ही बैन कर दिया गया था इंडिया से। Disorder गेम की एक खास बात ये थी कि ये गेम फ्यूचर में सेट था, यानी कि 2030 में इस गेम को सेट किया गया था। गेम के ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा बढ़िया थे, ओवरऑल गेम काफी ज्यादा बढ़िया था, बट सैडली गाइस 2020 में ही गेम बैन हो गया था इंडिया के अंदर से। हाँ, पर वो बात अलग है कि भी आप इस गेम को VPN की मदद से खेल सकते हो। टॉम एंड जेरी चेस, गाइस इस गेम को भी काफी टाइम पहले इंडिया से बैन कर दिया गया था। और गाइस हम सभी लोग जानते हैं कि टॉम एंड जेरी से तो भाई हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। और आपको बता दूं, जो टॉम एंड जेरी चेस गेम था उस गेम के अंदर आप लोग ऐसा टॉम भी खेल सकते थे और ऐसा जेरी भी खेल सकते थे। मिलाकर गाइस ये गेम काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, बट सैडली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये गेम अब इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। इस गेम को इंडिया से बैन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ इस गेम को डेवलप किया था एक चाइनीज गेमिंग कंपनी ने। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी एक बैटल रॉयल गेम था जिसको डेवलप किया था एक चाइनीज गेमिंग कंपनी ने जिसका नेम था NetEase। गाइस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक फोर्टनाइट लाइक बैटल रॉयल गेम था एंड इस गेम के अंदर आप लोगों को बिल्कुल फोर्टनाइट की तरह ही सब कुछ देखने को मिलता था। और गाइस इस गेम को 2018 में ही लॉन्च कर दिया गया था जब पबजी मोबाइल को लॉन्च किया गया था, बट सैडली इस गेम के लॉन्च होने के 2 इयर्स बाद ही यानी कि 2020 में ही इस गेम को इंडिया से बैन कर दिया गया। सच में यार अगर NetEase के ये गेम्स बैन नहीं होते ना तो आज गेमिंग मार्केट काफी ज्यादा कंपटीशन होता। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल गेमिंग की। अब फ्री फायर को कौन नहीं जानता यार, फ्री फायर टॉप 5 मोस्ट फेमस गेम्स में से एक है इंडिया के अंदर। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अचानक से फ्री फायर को 2022 यानी कि इसी ईयर के फरवरी मंथ में बैन कर दिया गया। और यार जब फ्री फायर जैसे फेमस गेम बैन होते हैं तो दिल से बुरा लगता है। फ्री फायर क्या यार, पबजी मोबाइल जब बैन हुआ था तो पबजी प्लेयर्स को भी कितना बुरा लगा था ये वही लोग जानते हैं। तो फ्री फायर लवर्स मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कितना बुरा लगा था जब फ्री फायर इंडिया से बैन हो गया था। गाइस साइबर हंटर भी एक बैटल रॉयल गेम था। इस गेम को डेवलप किया था NetEase कंपनी ने एंड आपको बता दूं इस गेम को लॉन्च किया गया था 2019 में। आपको बता दूं ये एक फ्यूचरिस्टिक बैटल रॉयल गेम था क्योंकि इस गेम के अंदर आप लोगों को जो गन्स मिलती थी वो फ्यूचरिस्टिक होती थी एंड जो व्हीकल्स मिलती थी वो भी फ्यूचरिस्टिक होती थी। ओवरऑल साइबर हंटर गेम काफी ज्यादा बढ़िया था। एंड गाइस आपको ये बता दूं कि साइबर हंटर का एक लाइट वर्जन भी आया था फॉर लो एंड डिवाइस यूजर्स, बट फिर साइबर हंटर के लॉन्च होने के एक साल बाद ही इस गेम को इंडिया से बैन कर दिया गया था। Knives Out, गाइस आप लोग ये जानकर शौक रह जाओगे कि Knives Out गेम को पबजी मोबाइल से भी पहले लॉन्च किया गया था, यानी कि इस गेम को 2017 में लॉन्च किया गया था। और इस गेम को भी NetEase कंपनी ने ही लॉन्च किया था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर NetEase के कितने गेम्स हैं यार। खैर जो भी हो, ओवरऑल ये गेम काफी ज्यादा बढ़िया था। ये एक बैटल रॉयल गेम था जो बिल्कुल पबजी मोबाइल की तरह था, बट सैडली मुझे कहना पड़ रहा है इस गेम को भी बैन कर दिया गया था 2020 में। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने इस गेम को बैन से पहले या फिर आप लोग अभी भी इस गेम को प्ले कर रहे हो विद VPN।
सुपर मेगा चैंपियन भी एक बैटल रॉयल गेम है, बट ये बाकी सारे बैटल रॉयल गेम से बिल्कुल अलग है। क्योंकि इस गेम के अंदर जो मैप दिया गया है उसके अंदर एक काफी बड़ी फ्यूचरिस्टिक सिटी दी गई है जो आज तक मैंने किसी भी बैटल रॉयल गेम्स में नहीं देखी थी, और यही चीज सुपर मेगा चैंपियन गेम को बाकी सारे बैटल रॉयल गेम से अलग बनाती है। बट सैडली अब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भाई ये गेम भी इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, इस गेम को भी इंडिया से बैन कर दिया गया था। एंड गाइस इस गेम को डेवलप किया था NetEase और NetEase की वजह से इस गेम को बैन किया गया था इंडिया से, क्योंकि NetEase एक इंडियन कंपनी नहीं बल्कि एक चाइनीज गेमिंग कंपनी है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हो गए, और इसी वजह से इस गेम को इंडिया के अंदर से बैन कर दिया गया था। सो या दैट्स फॉर टुडे मेरे भाइयों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, और वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा, और अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत, दिस इज मी आपका भाई साइनिंग ऑफ, लव यू गेमर्स, बाय बाय एंड टेक केयर।